हाय दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ एक कंपनी जिसका नाम है मजेस्को लिमिटेड। मैं इस कंपनी के बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, क्योंकि 23 दिसंबर को जब मैं स्टॉक मार्केट देख रहा था तो इसमें मेरे को एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस हुई कि इस कंपनी का स्टॉक जो पिछले दिन 985 के आसपास था, सडनली गिर के 12 रुपये के आसपास आ गया था। मतलब मोटा मोटा 970 रुपये की गिरावट आई। इसके पहले देख के लगा कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जनरली हर स्टॉक का एक लोअर सर्किट डिफाइंड होता है, जिसका मतलब होता है कि एक दिन में उसमें कितनी गिरावट हो सकती है। लेकिन ये स्टॉक तकरीबन तकरीबन 96-97% नीचे गिर गया था। जब मैंने थोड़ा और पढ़ा तो पता चला कि इसकी वजह बहुत क्लियर थी कि कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया था 974 रुपीज़ का। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ पहली बार सुनी है कि कोई कंपनी ने 974 रुपीज़ का डिविडेंड दिया हो। बट इसके पीछे भी एक रीज़न था। वो रीज़न था कि कंपनी ने अपना जो US आर्म है उसको सेल कर दिया था, और वो उसकी बेसिकली जितनी भी प्रोसीड्स आई थी वो शेयर होल्डर्स को वापस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। शेयर होल्डर को पैसे वापस देने के जनरली कंपनी के पास दो तरीके होते हैं, या तो वो शेयर बायबैक कर लेती है या फिर डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करती है। क्योंकि ये एक्स्ट्रॉर्डनरी ट्रांजैक्शन थी, जिसमें कंपनी की US आर्म जो उसका मेजरली सारा ऑपरेशन था वो बिक गया था, तो इसलिए कंपनी के पास उस पैसे को डिप्लॉय करने का और कोई तरीका नहीं था। तो उन्होंने सबसे अच्छा तरीका अपनाया कि ये शेयर होल्डर को पैसे वापस कर दिए जाएं, क्योंकि हम कंपनी के लिए इसकी कोई यूटिलिटी नहीं थी। तो ये बड़ा ही अजीब फिनोमिना था। एंड अगर मैं आपसे थोड़े नंबर्स के बारे में बात कर सकूं, तो इनके पास अभी आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 28.5 मिलियन, मतलब कि 2 करोड़ 85 लाख शेयर इनके पास आउटस्टैंडिंग हैं, जिसका जब अगर मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि ये कितना पे आउट करेंगे, इसका मतलब है ये मोटा मोटा 2,800 करोड़ के करीब का पे आउट करेंगे अपने शेयर होल्डर्स को। ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, एंड इसके शेयर होल्डर्स को सडनली कैश इन हैंड काफ़ी आ जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वरना आपको शेयर मार्केट में कैपिटल गेन्स से ज़्यादा इनकम होती है बजाय डिविडेंड के। अगर आपने भी ये फिनोमिना नोटिस किया और आप इसके बारे में कोई थॉट शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।